नमस्कार। पुणे पुलिस ने अर्बन नक्सल के मामले में एक रिपोर्ट दाखिल की है। इस रिपोर्ट में गौतम नौलक्खा के कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन से संबंध के संकेत दिए गए हैं। दावा किया गया है कि आरोपी गौतम नौलक्खा का आतंकियों से साठगांठ था। हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े होने की रिपोर्ट अर्बन नक्सल के आरोपी रोना जैकब विल्सन के लैपटॉप से बरामद की गई सूचनाओं के आधार पर की गई। रिपोर्ट में गौतम नौलक्खा को जीएन गौतम नौलक्खा को एक शॉर्ट फॉर्म दिया गया, जीएन का नाम दिया गया है, जो कश्मीर के कई अलगाववादियों और हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर्स के संपर्क में थे। आपको भी पता है कि इसी मामले में यानी अर्बन नक्सल के मामले में जिन पांच लोगों की गिरफ्तारी हुई थी भीमा कोरेगांव हिंसा के बाद, उसके बाद तीन और गिरफ्तारियां हुई थी, मुंबई से सुधीर ढबले, नागपुर से सुरेंद्र गडलिंग। अर्बन नक्सल से जुड़ी एक रिपोर्ट में लिखा गया है कि गौतम नौलक्खा ने कश्मीर के दौरे किए और कई बार दौरे किए, शकील बख्शी नाम के एक हिजबुल कमांडर से मुलाकात की, गौतम नौलक्खा परवेज खान नाम के एक शख्स के भी संपर्क में थे जो पहले हिजबुल मुजाहिदीन का एक कमांडर था और बाद में डबल एजेंट बन गया। नक्सलियों की तरफ से हथियारों की अदला बदली और खुफिया सूचनाओं का आदान प्रदान, ये काम था हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर से मिलने के बाद गौतम नौलक्खा का। जो मुलाकात हुई थी हिजबुल कमांडर से और गौतम नौलक्खा की, उसमें इसी बात पर चर्चा हुई। नौलक्खा और परवेज खान की मुलाकात के बाद नौलक्खा ने ही परवेज खान को दिल्ली में माओवादी कमांडर से मिलने के लिए भेजा, लेकिन बाद में माओवादी फैक्ट फाइंडिंग टीम को ये जानकारी मिल गई कि जो परवेज खान था वो डबल एजेंट था। हिजबुल मुजाहिदीन की कोशिश थी कि वो माओवादियों से संपर्क बनाए और इसका फायदा उसे आने वाले दिनों में मिलता। उनकी मदद से वो म्यांमार बॉर्डर तक पहुंच सकते और अपने हथियारों को वहां सुरक्षित रख सकते थे। जरूरत पड़ने पर उन्हें भारत भी लाया जा सकता था। अब भीमा कोरेगांव हिंसा के बाद जिन पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनमें सुधा भारद्वाज, वरवरा राव, गौतम नौलक्खा, अरुण फेरेरा और वेरनॉन गोंजाल्विस शामिल थे। बड़ी बात यह कि जब गौतम नौलक्खा के बारे में रिपोर्ट सामने आई है, ठीक उसी दिन संसद के भीतर एक बिल पास हुआ जिसको एंटी टेररिज्म बिल कहा गया और अमित शाह ने इसे 22 तारीख को सदन के पटल पर रखा था। सदन में यह बिल रखा गया था। मैं इसे क्यों जोड़ना चाहता हूं आगे आप समझ पाएंगे। इस बिल में साफ तौर पर कहा गया है कि जो भी टेररिस्ट हैं या टेररिज्म से जुड़े हुए लोग हैं या जिन्हें जिनके ऊपर शक है, उनकी संपत्ति जब्त की जाएगी और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ इसमें नक्सलिज्म, अर्बन नक्सल जैसे भी शब्द जोड़े गए हैं। इस अध्यादेश में इन शब्दों का भी इस्तेमाल हुआ है, यानी ऐसे लोग जो नक्सली या अर्बन नक्सली होने के शक में पकड़े जाते हैं, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जा सकती है और संपत्ति जब्त की जा सकती है। जिस दिन यह बिल आया उससे ठीक एक दिन पहले, या इसे यूं कहें कि जिस दिन अमित शाह ने इस बिल को संसद में रखा उसके एक दिन बाद, अवार्ड वापसी गैंग की छाती पर सांप रेंगने लगा। बॉलीवुड का अवार्ड वापसी गैंग एक बार फिर से सक्रिय हो गया। इस गैंग के लोगों को इन दिनों खाना नहीं पच रहा है, उनकी छाती धक धक कर रही है कानून के डंडे की चोट खाने के डर से। अब जरा अवार्ड वापसी गैंग के पेट में उठे दर्द को समझना पड़ेगा। जिस तारीख को खत पीएम मोदी को लिखा गया उससे ठीक एक दिन पहले ही संसद के भीतर गृह मंत्री अमित शाह ने यूएपीए विधेयक पेश किया था और इसी खत के एक पैरा पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। वैसे मैं पूरा खत आपको बताऊंगा जिसका पहला पॉइंट ये बताया गया है कि देश में मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ रही हैं और बकायदा ये कहा भी गया है कि NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया गया है कि 840 एट्रोसिटीज की घटनाएं दलितों के खिलाफ 2016 में सामने आई। इसमें इस पूरे खत में जो चार पन्नों का खत है, इसमें दलित और माइनॉरिटीज इस पर खास जोर दिया गया है और लिखा गया है कि 254 धार्मिक मामलों में हिंसा सामने आई है। 2 अक्टूबर 2018 की रिपोर्ट, 1 जनवरी 2009 से अक्टूबर 2018 तक की रिपोर्ट दिखाई गई जिसमें 254 धार्मिक मामलों में हिंसा की बात सामने आई है। इसमें 91 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, 579 लोग घायल हुए हैं। इस खत में यह लिखा गया है 2% केस क्रिश्चियन, 62% जो पीड़ित थे वो मुसलमान थे, दलित थे,
सिर्फ 2% क्रिश्चियन थे, तो ये सब सारी बातें लिखी गई। और इसी लेटर के दूसरे पॉइंट में लिखा गया, पीपल शुड नॉट बी ब्रांडेड एंटी नेशनल और अर्बन नक्सल। अब आप इस दर्द को समझ सकते होंगे कि जिस दिन अर्बन नक्सल या नक्सलियों के खिलाफ या आतंकवादियों के खिलाफ कोई बिल हमारी संसद में पेश किया जाता है, उसके ठीक एक दिन बाद इस तरह के लेटर लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि इन लोगों को डर था कि जिस तरह से 5 अर्बन नक्सलियों को पहले गिरफ्तार किया गया, उसके बाद उनके 3 साथियों की गिरफ्तारी हुई, इसी तरह आगे उन पर भी गाज गिर सकती है। क्या कहीं ये डर उन्हें सता रहा था? अब मैं यहाँ एक और चीज कहना चाहूंगा, ये जो आंकड़े पेश किए गए हैं और जिन 49 लोगों ने ये खत लिखा है, उनकी छवि हमेशा से लेफ्ट लिबरल की रही है। लेफ्ट लिबरल जो बीजेपी के खिलाफ या मोदी सरकार के खिलाफ या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, उसकी आदत सी बन गई है साल 2014 के बाद से ऐसे मामलों को उठाने की या ब्रांडिंग करने की। अब आप यहाँ खुद तय कीजिए कि अर्बन नक्सल की ब्रांडिंग कौन कर रहा है। क्या ये लेफ्ट लिबरल लोग कर रहे हैं जो कि एक नैरेटिव बना रहे, एक प्रोपेगेंडा रच रहे हैं, या फिर सरकार की तरफ से या बाकी लोगों की तरफ से किया जा रहा है? गरुड़ प्रकाशन के MD हैं संक्रांत सानू। इनके पब्लिकेशन में ही एक किताब छपी जिसका नाम है अर्बन नक्सल। उसमें कुछ लाइनें दी गई हैं, मैं वो भी पढ़कर बताता हूं और उस किताब के हवाले से ये डेटा आपके सामने रखना चाहता हूं। इंडिया फैक्ट हिंदू ह्यूमन राइट रिपोर्ट के मुताबिक 25 केस ऐसे हमारे देश में 2015 में सामने आए जिसमें से मुसलमानों ने दलितों के खिलाफ हिंसा की। ये आंकड़े बता रहे हैं। उसमें यह भी बताया गया है कि लेफ्ट विंग टेरर हमारे देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है और सबसे बड़ा हत्यारा भी। साल 2015 में 226 लोगों की नक्सलियों ने जान ले ली। इसी तरह 2010 में 1005 लोगों की नक्सलियों ने जान ले ली थी। उन्होंने ये कहते हुए इन आंकड़ों के जरिए सवाल उठाए कि आप डिसाइड करिए कि कौन सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्या लेफ्ट विंग टेरर जिसे हम नक्सली के नाम से जानते हैं, या वो इन दिनों अर्बन नक्सल में बदल चुका है, या उसे उसके मामले इस तरह इन दिनों सामने आ रहे हैं। साल 2018 में 5 सितंबर को दिल्ली में एक प्रदर्शन किया गया और नाम दिया गया, किस किस को कैद करोगे, हम सब अर्बन नक्सल हैं। याद है आपको जब JNU में नारे लगाए गए, तुम कितने अफजल मारोगे, घर घर से अफजल निकलेगा, उसी तरह नारा दिया गया 5 सितंबर 2018 को भीमा कोरेगांव के मामले में प्रदर्शन करते हुए, किस किस को कैद करोगे, हम सब अर्बन नक्सल हैं। और इसकी अगुवाई कर रहे थे जिग्नेश मेवाणी। 5 वामपंथी विचारकों सुधा भारद्वाज, वारवरा राव, गौतम नौलक्खा, अरुण फेरेरा और वेरनॉन गोंजाल्विस को पहले ही अर्बन नक्सल के मामले में गिरफ्तार किया गया था और तब से ये जांच चल रही थी। तभी इन लोगों ने 2018 में ये हंगामा भी शुरू किया। 2018 के जून में ही माओवादियों की एक चिट्ठी सामने आई थी और इस चिट्ठी में राजीव गांधी की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश रचने का खुलासा किया गया था। 18 अप्रैल को रोना जैकब कामरेड प्रकाश को एक चिट्ठी लिखते हैं और उसमें कहा जाता है कि हिंदू फासिज्म को हराना अब काफ़ी ज़रूरी हो गया है, मोदी की अगुवाई में हिंदू फासिस्ट काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और ज़रूरी है कि इन्हें अब रोक दिया जाए। माओवादी नेता की ओर से जो चिट्ठी लिखी गई उसमें कथित रूप से देश में अलग अलग नक्सल गतिविधियों के लिए प्रतिष्ठित तेलुगु कवि वारवरा राव के कथित मार्गदर्शन के लिए तारीफ की गई थी। अप्रैल 2019 की रिपोर्ट है कि छत्तीसगढ़ के दक्षिण में स्थित बस्तर और दंतेवाड़ा, वैसे आपको यह भी बता दें कि बस्तर और दंतेवाड़ा के इलाके से मुंबई भागना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा और बस्तर के इलाकों में नक्सली निकलकर अब शहरी इलाकों में जैसे कि राजनांदगांव, कवर्धा जैसे पश्चिमी छत्तीसगढ़ के शहरों में जाकर बसने लगे। और बकायदा इस रिपोर्ट में एक डेटा भी दिया गया था, राजनांदगांव में शहर से ठीक 135 किलोमीटर दूर मानपुर में 3 ID धमाके हुए, कुछ लोग गिरफ्तार किए गए। 10 अप्रैल को भी मानपुर में कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई, वहां भी नक्सली हिंसा सामने आई। तो ये आंकड़े पेश किए गए जो सीधे सीधे ये बता रहे थे कि नक्सली अब गांव छोड़कर या जंगल छोड़कर शहरों में जाकर बसने लगे हैं। और अब जब गौतम नौलक्खा की रिपोर्ट सामने आई है तब वो इस बात की पुष्टि कर देती है कि जो अर्बन नक्सल है वो इन दिनों और घातक होता जा रहा है। घातक इस सेंस में कि आतंकवादियों से अगर इस नक्सलिज्म की साठगांठ बैठ गई तो ये हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन जब मोदी सरकार या अमित शाह की तरफ से इसे रोकने के लिए कोई बिल लाया जाता है तो हमारे देश में कुछ लेफ्ट लिबरल को पेट में दर्द होने लगता है, और जिसके बाद उन्होंने ये पूरा खत लिखा है।
इस खत में जिन शब्दों का या जिन लाइनों का इस्तेमाल किया गया है वो सीधे सीधे ये बताता है कि नैरेटिव एक रची गई है और नैरेटिव ये कहती है कि मोदी सरकार या मोदी राज में हिंसा बढ़ रहा है, हिंसा की घटनाएं बढ़ रही हैं। और उनका एक नैरेटिव ये भी कहता है कि दलितों और मुसलमानों के खिलाफ। अब थोड़ा पीछे चलिए, जब बीजेपी की दूसरी बार सरकार बनी प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में, सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने नारा दिया था सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। इस नारे में उन्होंने एक बात कही थी कि देश के मुसलमानों को आजादी के बाद से डरा कर रखा गया है। इस रिपोर्ट में भी या जो खत लिखा गया है उसमें भी ऐसा लगता है कि मुसलमानों को फिर से डराने की कोशिश की गई है। जैसा कि मैंने अर्बन नक्सल किताब के हवाले से जो आपको डेटा दिया है उसमें यह बताया गया है कि हमारे देश में साल 2015 में 25 ऐसी घटनाएं हुई जिसमें मुसलमानों ने दलितों के खिलाफ हिंसा की। अभी हाल के दिनों में मॉब लिंचिंग की कुछ ऐसी घटनाएं सामने आई। उदाहरण के लिए आप गुड़गांव की घटना को ले लीजिए, गुरुग्राम में मॉब लिंचिंग की शिकायत होती है लेकिन जब पुलिस जांच करती है तो ये पता चलता है कि आपसी दुश्मनी और मारपीट में इस घटना को अंजाम दिया गया था, ना कि मॉब लिंचिंग में। लेकिन इन दिनों मॉब लिंचिंग को जय श्री राम से जोड़ दिया जाता है जानबूझकर, क्योंकि इससे उनकी ब्रांडिंग होती है और इसलिए भी जोड़ा जाता है ताकि वो अपना सेफ साइड ढूंढ सके, बचने का एक रास्ता बना रहना चाहिए। जो 49 लोग खत लिख रहे हैं वो शायद कभी अवार्ड वापसी गैंग में भी शामिल रह चुके हैं। 2015 का वो दौर हमें नहीं भूलना चाहिए जब इसी तरह गौ हत्या और बाकी जो सरकार के खिलाफ सरकार कार्रवाई कर रही थी उसके खिलाफ अवार्ड वापसी का दौर शुरू हुआ था। कई बड़ी हस्तियों ने अपना अवार्ड, साहित्य अकेडमी अवार्ड वापस कर दिया था और उसके बाद ये बताने की कोशिश हुई कि देश में इनटॉलरेंस बढ़ रहा है, असहिष्णुता बढ़ रही है। आमिर खान जैसे जो बॉलीवुड एक्टर्स थे वो भी सामने आए और उन्होंने भी अपनी इस बात पर जो अपनी बात जो रखी थी उसके बाद देश में एक नए सिरे से विवाद पैदा हो गया। लेकिन आप सच पूछिए तो देश में इनटॉलरेंस की घटनाएं किसके राज में ज्यादा बढ़ी। अभी हाल ही में सदन के भीतर गृह राज्य मंत्री ने एक डेटा रखते हुए कहा है, ये आईबी की रिपोर्ट के हवाले से उन्होंने कहा है कि मोदी राज में जो हिंसा थी उसमें कमी आई है। उन्होंने 2013 और 2018 की तुलना की थी। 2018 में 740 के आसपास घटनाएं हुई जबकि 2013 में 820 हिंसा की घटनाएं सामने आई थी। ये जो गृह राज्य मंत्री हैं उनकी तरफ से डेटा सदन के भीतर कुछ ही दिनों पहले रखा गया है। तो हमारे देश में क्या एक नैरेटिव बनाकर आपको बरगलाने की भरमाने की कोशिश की जा रही है? जिन 49 लोगों ने खत लिखा है उनके इरादे को देखकर ऐसा ही लगता है।